की लहर दिखाई दे पड़ती है। ढेर सारे रोड, ढेर सारे एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में लाइट, हर गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड, कोरोना के समय में हर व्यक्ति को मुफ्त टीका, हर व्यक्ति को मुफ्त राशन, ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने जो भेजी है, योगी जी ने नीचे तक उसको लागू किया। मगर कोई भी प्रदेश हो, इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। यही कोरोना है, किराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था, बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे, उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है, उत्तर प्रदेश में तुष्टिकरण को खत्म करना है, उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी है। पश्चिम में 10 तारीख को चुनाव है, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कहीं कोरोना के कारण हमारे कार्यकर्ता आप तक न पहुंच पाए तो आप भारतीय जनता पार्टी के ये 5 साल के परिश्रम, मोदी जी के 7.5 साल के परिश्रम को ध्यान में रखकर सुबह सुबह ही कमल के निशान पर बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाई। मित्रों, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग या नोएडा में रहने वाले लोग, सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। किराना की जनता से अपील करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करें, कमल का बटन यहां पर दबाएं। किराना विधानसभा सीट हालांकि पिछली बार जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि मिरगंका को जीत मिलेगी। जनता का जो प्यार है आशीर्वाद के तौर पर वो दोबारा से मिल पाएगा। और ये भी कहा कि सीएम योगी ने विकास की गति को और तेज किया है। यहाँ जिन परिवारों से मुलाकात की जो कि पलायन के दौरान अब लौट कर वापस आ गए हैं, वो भय मुक्त अपना कारोबार कर रहे हैं, अब अपनी जिंदगी जी रहे हैं।